दोस्तों आज हम लोग 6 जून का थर्ड शिफ्ट का जीएस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बचे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 324 जो होता है वो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। सेकंड क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि MSP जो होता है डैश द्वारा अनुशंसित है, तो किसके द्वारा है बच्चे, तो वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डैश दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है, तो सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह होती है माजुली। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊँचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है। वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन सी थी, तो वो थी बच्ची अदिति अशोक थी। वर्कला चौराहा चवाकड़ और नत्तिका डैश राज्य में समुद्र तट है, तो ये जो कोस्ट है बच्चे सारे केरल में पाए जाते हैं कोस्ट। भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम तो डैश में पारित किया गया था, तो 1949 में जो है बैंकिंग के जो वो हैं विनियमन है वो पारित किए गए थे। एट क्वेश्चन है बच्ची डैश यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है, तो सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है बच्चे रॉयल कलकत्ता गोल्फ कोर्स जो कि है बच्चे कोलकाता में। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डैश महीने में एक बार बैठक करता है, तो जो ये बोर्ड होता है ये लगभग प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 6 महीने में एक बार बैठक करता है, साल में 2 बैठक होती है इसकी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने में के लिए करते हैं, तो इसका यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाते हैं, उसी को वो अपने फूड के रूप में लेते हैं, तो ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। सेब में से कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिड पाया जाता है सेब में मैलिक एसिड। डैश किंगडम के से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, तो साइमन कमीशन जो था वो था जिसको संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी रजिया बेगम थी। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। 14 क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य का मतलब सदस्य कौन है जिन्हें सबसे ज़्यादा उम्र के थे, तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था, तो वो अकबर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है उसमें भारत की कितनी रैंक थी, तो 140th रैंक थी इसकी। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, तो जो हम ये वोकल फॉर्म इसमें से कौन सा नहीं है भारतीय हिंदुस्तान संस्कृति का शास्त्रीय संगीत का, तो वो पखावज नहीं है, बाकी धमार तराना और ध्रुपद जो होता है ये इसके वोकल फॉर्म है, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है इसकी वो खजुराहो की गुफा, ठीक है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में भारतीय पासपोर्ट को, तो जो पासपोर्ट रैंकिंग होती है उसमें भारत का जो पासपोर्ट है वो 67th नंबर पर आता है। निम्न में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो विल्सन रोग जो होता है वो रतौंधी इसका लक्षण नहीं है, रतौंधी बच्चे जो होती है बच्चे बेसिकली आँखों की बीमारी होती है, तो इसकी वजह से विल्सन रोग नहीं माना जाता है। बाकी जो नीचे दिए हुए ये सारे हैं उसके लक्षण, रतौंधी आँख की बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। 21, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन करता है, तो बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र में वो करता है। गांधी इरविन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी, तो वो था खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये उसमें नहीं रखी गई थी, बाकी सारे जो थे वो उनकी मांगे थी। भारतीय श्रम आयोग श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था इसका वो इनॉग्रेशन।
24 दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। डैश की कमी से रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स कहते हैं सूखा रोग, बेसिकली इसमें हड्डियाँ वो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, छोटे बच्चों को ये रोग लगता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो आपका सनलाइट होता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि 6 जून थर्ड शिफ्ट के थे। इसके बच्चे, इसके पहले मैंने बाकी 4 जून और 6 जून के बाकी शिफ्ट अपलोड कर दिए हैं जीएस के, और रीजनिंग और इंग्लिश भी अपलोड कर रहा हूँ, मैथ भी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। आप तो आप एक बार देख लेना, कोई कमेंट्स में अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए देने हो तो अपने दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, रखता हूँ मैं, देख लेना आप।